Hi friends, this is Jyoti from Jyothi Rani and welcome back to my channel. Hope so aap log sab acche honge. And today I came with a new video and this is the video all about review of this TRESemme professional शैम्पू. तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, आप लोगों के सामने बताने वाली हूँ. ये शैम्पू मैंने यूज़ किया है, इवन यूज़ कर रही हूँ, यूज़ करती हूँ. मुझे बहुत पसंद आया तो सोचा क्यों नहीं आप लोग के साथ इसे का रिव्यू शेयर किया जाए, बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा. तो चलिए बताती हूँ बिना वीडियो डिले करते हुए. ये है TRESemme शैम्पू यूज बाई द प्रोफेशनल न्यू वन एंड दिस इज द केराटिन स्मूथ शैम्पू. इसमें केराटिन है. तो केराटिन, जैसा कि आप लोग को पता है कि केराटिन और आर्गन ऑयल हमारे हेयर को बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी बनाता है. अभी केराटिन ट्रीटमेंट भी बहुत लोग ले रहे हैं अपने हेयर के लिए. तो केराटिन बहुत ही अच्छा हमारे हेयर को एक अलग सा शाइन देता है, स्ट्रेट करता है हमारे हेयर को. आर्गन ऑयल भी हमारे हेयर को स्मूथ बनाता है, सिल्की शाइन बनाता है. तो इसकी ये ऐसे पैकेजिंग में आता है, रेड कलर के पैकेजिंग में. इसका ओपनिंग ऐसा है, यहाँ से आप प्रेस करोगे तो यहाँ से ओपन होगा. सॉरी, दिख नहीं रहा होगा. ऐसे यहाँ से प्रेस करना है तो ऐसे यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ से आप निकालोगे. ठीक है, आप चाहो तो ऐसे ओपन करके भी डायरेक्टली ले सकते हो. ठीक है, और इसकी प्राइस है 125 रुपीज़ और 2 साल की सेल्फ लाइन देती है. और इसकी नेट वॉल्यूम है 185 मिलीलीटर. तो बहुत ही अच्छा शैम्पू है. जब आप इसे यूज़ करते हो तो आपके बाल एटलीस्ट 3 डेज के लिए तो टोटली स्ट्रेट और रहती है आपकी बाल. तो रियली जो ये बोल रहा है वो ऐसा होता है आपका हेयर, और आपका हेयर बहुत ही, आपको खुद फील होगा कि बहुत ही स्मूथ बना दिया आपके हेयर को. तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. और हाँ, जहाँ तक मुझे मैंने यूज़ किया, मुझे लगा ये मेरे हेयर फॉल को ऑलमोस्ट 98% कम कर दिया है. हेयर फॉल नहीं होती है क्योंकि स्मूथ हो जाती है. तो ऑलरेडी आपको पता है जब बाल हमारे स्मूथ होते हैं तो उतना बाल नहीं टूटता है, क्योंकि बाल हमारे टूटते हैं जब, क्योंकि वो एक तो रफ होने की वजह से या फिर डैंड्रफ होने की वजह से या फिर आपके बाल उलझते हैं उसके वजह से फ्रीजनेस के कारण भी टूटते हैं. तो आपके बाल को ये फ्रीजीनेस कम करता है. कम क्या, बहुत ही रहता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहता है फ्रीजनेस. शाइन रहता है आपके बाल को, तो रफनेस तो रहेगा ही नहीं. बहुत ही सिल्की बनाता है, ब्राइट करता है आपके बाल को, स्ट्रेट करता है. तो ये शैम्पू मुझे बहुत पसंद आया. तो मैं आप लोग को ज़रूर इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार इसे यूज़ करें और यूज़ करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा. कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 ईयर से. इसका मैंने ग्रीन वाला जो आया है ना, वो भी यूज़ करी, वो भी मुझे बहुत पसंद है. आप बोलोगे तो मैं उसका भी रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी. तो मुझे केराटिन शैम्पू बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं आप लोग के साथ इसको शेयर करना की हूँ. और इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ. देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है. तो आपको जैसे पता चल रहा होगा कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी है. देख लीजिए, एकदम माइल्ड है बहुत, और बहुत ही अच्छा बटरी जैसा लग रहा है. और हाँ, अगर इस शैम्पू के साथ सेम TRESemme की कंडीशनर यूज़ करते हो तो आपके हेयर एकदम जैसे हमारे बाल सैलून में वो लोग जब हमारे बाल धोते हैं उसके बाद सूखने के बाद हमारे बाल कैसे रहते हैं, एकदम वैसा फिनिशिंग देता है हमारे हेयर को. तो इस शैम्पू के साथ, आप TRESemme के शैम्पू के साथ, कोई भी शैम्पू के साथ, TRESemme जो भी आपको सूट करती हो, ग्रीन वाला, ये ब्लैक वाला, ये रेड वाला, लेकिन अभी मैं रिव्यू रेड वाला का शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ. तो रेड वाला के साथ आप, रेड वाला ही आता है कंडीशनर या फिर वाइट वाला आर्गन ऑयल का आता है, आप वो कंडीशनर यूज़ करें इसके साथ. दिस विल गिव यू ऑसम रिजल्ट एंड यू विल डेफिनेटली टेल मी दैट आई हैव टोल्ड, वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू इट इज़ 100% करेक्ट. तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपके बाल टूटने कम हो जाएंगे इस शैम्पू से, और आपको आपके बाल बहुत ही सिल्की एंड शाइन बनाएंगे. इवन आपके बाल हेयर का ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा. तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में.
तो मिलती हूँ मैं फिर आपको नए वीडियो के साथ. तो टिल देन बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. और हाँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. सब्सक्राइब करें जो मेरे चैनल पे नए हैं, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें. अगर उसे बजाना भूल गए तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी, और नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी तो आप मेरे वीडियो देख नहीं पाओगे. तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर बजाना. टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.